नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम एक और एग्जांपल लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, उस एग्जांपल के अंदर हम फोरफिशर इशू का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन डील करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिखा हुआ है अपने सामने और आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, इशू कंपनी लेकर आई है 15,000 शेयर और कंपनी 10 का शेयर 12 में दे रही है, यानी कि कंपनी प्रीमियम पे देने के लिए आई है शेयर को। लोग कितने शेयर मांग रहे हैं? 12। भैया कंपनी लेकर आइए 15, लोग मांग रहे हैं 12, यानी कि लोग कम मांग रहे हैं, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जितनी भी एंट्री लगेंगी वो लगेंगी, जर्नल एंट्री जो लगेंगी वो 12,000 के अकॉर्डिंग लगेंगी। क्लियर है? ये नहीं है, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 12,000 शेयर से मल्टीप्लाई होगा। कंपनी कैसे पैसा मांग रही है? थोड़ा एप्लीकेशन पे, थोड़ा अलॉटमेंट पे, थोड़ा फर्स्ट कॉल पे, थोड़ा फाइनल कॉल पे। 4, 4, 3, 4, 4, 8 और 3, 11 और 1, 12। ये 12 रुपए कैसे बने हैं? 2 रुपए का प्रीमियम है, 10+2। 2 रुपए कैसे हैं? 1 रुपए का प्रीमियम है एप्लीकेशन पे, 3+1, और 1 रुपए का प्रीमियम है अलॉटमेंट पे, 3+1। एक मिस्टर ए था जिसने बदतमीजी करी अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे, 1,000 शेयर थे उसके पास, उसने पैसा नहीं दिया। कंपनी ने क्या करा? अलॉटमेंट में पैसा मांगा, नहीं मिला। फर्स्ट कॉल में मांगा, नहीं मिला। कंपनी ने तुरंत फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही एक ही शेयर फॉरफिट कर दिए। मतलब कंपनी ने फिर फाइनल कॉल तक वेट नहीं करा, तुरंत शेयर फॉरफिट मारे। अब तक हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर बीच में फॉरफिचर नहीं कर रहे थे, अब हम बीच के अंदर फॉरफिट कर रहे हैं। क्लियर है? फॉरफिचर बीच में कर रहे हैं। ठीक है, जो बी था उसे फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, उन्हें जब दो जगह बदतमीजी करी तो कंपनी ने उसके शेयर फाइनल कॉल पे फॉरफिट मार दिए। यानी कि फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिचर है ए का और फाइनल कॉल के बाद फॉरफिचर है बी का। और फिर कंपनी ने शेयर रीइशू करे हैं। और देखो, तुमने शेयर कितने छीने हैं? 1,000 शेयर छीने ए के और 500 शेयर छीने बी के। टोटल 1,500 शेयर छीने हैं। 1,500 में से तुम 1,200 शेयर दे रहे हो। ऐसा कॉन्सेप्ट कल भी लिया था और आज हम इसे और रिकॉल कर रहे हैं। 1,200 शेयर बेच रहे कंपनी, 8 रुपए फुली पेड अप पे बेच रही है। एंड ऑल द शेयर ऑफ बी, इसके अंदर सारे शेयर बी के हैं 1,200 में, और बाकी बचे जो शेयर होंगे वो ए के होंगे। ठीक है मेरे बेटा, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि आपको ये वाली एंट्री लगाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सी? एक एप्लीकेशन की, एक अलॉटमेंट की विथ एरियर एंड प्रीमियम, और एक फर्स्ट कॉल की। मैं नहीं समझता आपको दिक्कत आनी चाहिए। मुझे इतना बता दो, कोई भी एक बच्चा मुझे बता दो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तक की एंट्री लगाने में, रिसीव ड्यू, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, 6 एंट्री बनाने में किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं बनाऊंगा। जल्दी बोलो हाँ या ना। नहीं भैया। आप बना सकते हैं ना 6 एंट्री, तो इजीली बन जाएंगी। बोलो हाँ या ना। यस भैया। ठीक है, ठीक है, चलो बन जाएंगी तो बढ़िया है, और नहीं बन रही तो भैया मैं फिर भी बनाऊ ना बनाऊ, ये बताओ फटाफट दे। किसी एक के मन में डाउट है तो बना दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई चाह रहा है तो हैंड रेज कर दो। निशान, हाँ कोई चाह रहा है तो बता दो मुझे। थम बना दो, थम। कोई चाह रहा है तो, कोई भी ना चाह रहा, चलो तो बात ही खत्म हो गई। अब देखो तुम्हें क्या पता लगा, तुम्हें सिक्वेंसिंग पता लग गई कि पहले एप्लीकेशन की एंट्री बनेगी, फिर अलॉटमेंट की बनेगी, फिर फर्स्ट कॉल की बनेगी, फिर फॉरफिचर की बनेगी, फिर फाइनल कॉल की बनेगी, फिर फॉरफिचर की बनेगी, फिर इश्यू बनेगी। सिक्वेंसिंग देख रहे हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इससे मैंने बोला था, ये जो मैं ड्रामा बनाता हूँ ना क्वेश्चन को पढ़ के, ये ड्रामा जरूर बना लेना, इससे तुम्हारी एंट्री आगे पीछे नहीं बनेगी। बिल्कुल जैसी सिक्वेंसिंग आनी चाहिए उसी सिक्वेंसिंग के अंदर एंट्री आने वाली है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फॉरफिचर, एंड देन आपका आ जाएगा फोर फीचर, एंड देन फाइनल कॉल, एंड देन फोर फीचर, एंड देन री इशू। मेरी बात क्लियर हो गई? चलिए तो मेरे बेटा, सबसे पहले अब पहली 6 एंट्री तो आप बना दोगे, इशू की, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की। और अब मैं जो एंट्री बनवाने जा रहा हूँ आपसे, ठीक है, अब मैं एंट्री बनाऊंगा फोर फीचर की। और मेरे बेटा, हम किसके शेयर फॉरफिट करेंगे ये बात आप सभी जानते हैं। हम शेयर फॉरफिट करेंगे मिस्टर ए के, ठीक है। किसके शेयर फॉरफिट करेंगे मेरे बेटा जी? मिस्टर ए के शेयर फॉरफिट करेंगे। आ जाओ, तो माता रानी की अरदास लगाते हुए शुरू करते हैं। देखो आपको पता है ये एंट्री बन रही है मेरे बेटा, 7वीं एंट्री है ये। 6 एंट्री पहले बन चुकी है आपकी एप्लीकेशन और फर्स्ट कॉल की। 7वीं एंट्री क्या होनी चाहिए मेरे बेटा जी? शेयर फॉरफिचर ए के शेयर, ए के शेयर कितने? 1,000। 1,000 शेयर फॉरफिट करने हैं। फॉरफिचर की एंट्री का मतलब क्या होता है? सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा, जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा। ज्यादा मैं समय नहीं लगा रहा, आपको सीधा बता के चल रहा हूँ। आप शेयर कैपिटल क्या करते थे? क्रेडिट। यहाँ क्या कर दोगे? डेबिट। बात क्लियर हो गई? टू, बंदा जब फॉरफिट करता था तो जब बंदा
एरे करता था तो एरियर होता था डेबिट, यहाँ क्या कर दोगे क्रेडिट, टू कॉल सेल एरियर। अच्छा बंदे ने कुछ अमाउंट नहीं दिया तो कुछ तो दिया होगा, और उस पैसे को कंपनी वापस नहीं करती, कंपनी के लिए बन जाता था वो प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है मेरे बेटा जी, क्रेडिट शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से। लेकिन मेरे बेटा क्या ये क्वेश्चन एसपीआर वाला है? हाँ है। एसपीआर नॉर्मली तुम क्या करते हो? क्रेडिट करते हो, यहाँ क्या करोगे? डेबिट। लेकिन याद है एसपीआर कब डेबिट होगा? जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला होगा। मुझे बताओ तुम किसके शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो? तुम ए के शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो। इन्हें यहाँ और यहाँ ड्रामा करा है दो जगह, और ₹4 ना देने का मतलब है, अलॉटमेंट के ₹4 ना देने का मतलब है उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम भी नहीं दिया। जितना प्रीमियम नहीं दिया खाली उतने से ही डेबिट होगा, मतलब वो एप्लीकेशन का प्रीमियम दे चुका है, हमें उससे मतलब नहीं है। यानी कि एक ही केस में एसपीआर डेबिट होगा क्योंकि प्रीमियम नहीं मिला। हाँ जी बेटा, मैंने यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पर क्या आता है शेयर कैपिटल में? बोलो, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, जोर से बोलो, क्या आता है? कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का पता कैसे लगाते हैं? मैंने बोला था कितने रुपए की एंट्री लगा चुके हो। आपको पता है इस वाले फोर फीचर से पहले तुम ये वाली और ये वाली एंट्री लगा चुके होंगे, 4, 4, 8 और 3, 11 रुपए की एंट्री लग चुकी है। लेकिन इस 11 रुपए के अंदर देखो क्या रहा है, 4 के अंदर 1 रुपए का प्रीमियम और 4 के अंदर 1 रुपए का प्रीमियम, यानी कि इस 11 रुपए के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है। और मैंने पहले बताया था कॉल्ड अप के अंदर प्रीमियम नहीं लेते, इनकी 11 में से 2 हटा दो, कितने बचे मेरे बेटा जी? 9। तो आप बोलोगे एक ही 1000 शेयर है और कॉल्ड अप आएगा 9, 11 में से 2 हटा दिया, 9000 रुपए। कितने एसपीआर रहोगे जो नहीं मिला? बंदे ने एसपीआर एक जगह नहीं दिया, खाली 1000 रुपए। हाँ जी, तो कंपनी बोलेगी टोटल तुझे 10 मांगे थे, तूने नहीं दिया रुपया। अरे मिस्टर ए, तूने नहीं दिया। कहाँ नहीं दिया? अलॉटमेंट के 4 और फर्स्ट कॉल के 3, 4 और 3 7, तूने 7000 रुपए नहीं दिए, 10 में से 7 नहीं दिए, देखो 9 और 1 10 में से 7 हटा दो, कितने बचेंगे? तूने 3000 रुपए दे दिए, क्लियर ही नहीं है, आई पास में नहीं है, और जो दे दिए कंपनी से वापस करने वाली नहीं है। ये तो होगी एक शेयर फॉरफिट कर दिए। अब मेरे बेटा अब कौन सी एंट्री लगाने वाले हो तुम? अब तुम एंट्री लगाओगे 8वीं एंट्री। कौन सी 8वीं एंट्री कौन सी बनेगी मेरे बेटा जी? ध्यान से बना, 8वीं एंट्री ये मैं बनाऊंगा फाइनल कॉल की एंट्री। कभी मन में सवाल आ रहा होगा, अरे भैया जब ऊपर बना ली हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल की तो फाइनल कॉल की बना लेंगे ना? मेरे बेटा एंट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री तो तुम बड़े प्यार से बना लोगे। एंट्री तो तुम्हें पता है क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये बनेगी टू शेयर कैपिटल। एसपीआर तो इधर है ही नहीं, टू शेयर कैपिटल, एसपीआर तो यहां पर है नहीं। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? ठीक है, अब इधर देखो कितने शेयर से एंट्री बनाओगे? भैया कंपनी लेकर आई थी 15000 शेयर और लोग मांग रहे हैं 12000, तो बट ऑब्वियस है ना, हमने तो 12000 शेयर दिए होंगे, 12000 के अकॉर्डिंग फाइनल कॉल 1 रुपए की एंट्री बनेगी 12000 से। हाँ है ना मेरे बेटा, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, जितने तुम्हारी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअल में गलत हो चुका है मामला। अरे गलत कैसे हो गया? अगर गलत हो गया तो तुम गलत पढ़ा रहे हो हमें, मतलब? नहीं मेरे बेटा, मैं गलत नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, तुम दिमाग लगाओ। हम कितने शेयर का पैसा मांगते थे? जितना शेयर हमारे मार्केट में है, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, 12000 शेयर दिए कंपनी ने, 12000 का पैसा मांगेगी। मेरे बेटा, मेरे नन्ने, मेरे मुन्ने, अरे बेटा 12000 में से देखो फाइनल कॉल से पहले कंपनी 1000 शेयर छीन चुकी थी 7वीं एंट्री। मेरे बेटा अब 1000 शेयर मार्केट में नहीं रहे। हाँ ये ना, अब मार्केट में कितने रहेगा खाली? 11000। तो एंट्री लगेगी कितने से? 11000 शेयर से इंटू 1 करके 11000 रुपए की एंट्री। क्लियर है? आई वैसे भी नहीं। अब बनेगी कौन सी? 9वीं एंट्री। 9वीं एंट्री क्या बनेगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ पे ड्रामा हुआ है? हाँ हुआ है। किसने ड्रामा करा है? बी ने ड्रामा करा है। देखो फर्स्ट कॉल पे एरियर लिखना 1500 शेयर का, यहाँ पे एरियर आएगा 500 शेयर का, कॉल सेल एरियर डेबिट। क्लियर है ये नहीं है? कितना बेटा मेरे बेटा जी? 500 × 1, इनकी 500 रुपये नहीं मिले, 11 मांगे थे, इनकी कितने मिल गए? 10500 मिल गए। क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ पर बी ने फर्स्ट कॉल पर फाइनल कॉल पर दो जगह ड्रामा कर दिया है, तो कंपनी ने क्या कर दिया? बी के शेयर भी फोरफिट मार दिए। बी के शेयर भी कंपनी ने क्या कर दिया? फोरफिट मार दिए। क्लियर है? अब देखो मुझे सिर्फ इतना बताना, बी के शेयर कंपनी फोरफिट कर रही है, ठीक है? फोरफिट की एंट्री का तुम्हें मीनिंग पता है? सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। फोरफिट की एंट्री का मतलब क्या है मेरे बेटा जी? सिंगल रिवर्स एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर। क्लियर है? मतलब आपने जो भी एंट्री बनाई है अब तक की, उनके बराबर की एक एंट्री, वो भी रिवर्स। अब मुझे बताओ मेरे बेटा जी,
इस वाले फोर फीचर से पहले, देखो इस वाले फोर फीचर से पहले अब तुम सारी एंट्री बना चुके, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, इनकी टेक्निकली छह पहले बन गई थी, फाइनल कॉल की अब बन गई दो, आठ एंट्री बन चुकी है। केवल ईशो शेयर की एंट्री गिनना, फोर फीचर की एंट्री मत गिन लेना मेरे बेटा जी, बात क्लियर हो गई। ईशो शेयर की एंट्री होती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल की फाइनल कॉल की, क्लियर है, इनके बराबर की एंट्री। अब बस मैं आपसे एक बार पूछ रहा हूँ, आप सभी को एंट्री के बारे में सबको अनुमान है कि एंट्री लगने वाली क्या है, बस मुझे इतना बता दो क्या बी के केस में एसपीआर आएगा, मतलब जैसे ए के केस में एसपीआर डेबिट हुआ है क्या बी के केस में एसपीआर डेबिट होगा, बोलो अर्चिता तुम बताना क्या बी के केस में एसपीआर डेबिट होगा। निशांत क्या बी के केस में एसपीआर डेबिट होगा? नहीं सर। क्योंकि नहीं सर, क्योंकि क्योंकि बी ने एसपीआर में कोई ड्रामा नहीं करा, बी ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में पैसे नहीं दिए, यानी कि बी एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा दे चुका था, और अगर दे चुका था तो एसपीआर भी दे चुका था। एंट्री क्या बनेगी बोलो, एंट्री बनाओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो, और कुछ नहीं दिया, कुछ दिया और वो कंपनी का प्रॉफिट टू शेयर फोर फीच। अब बताओ क्या लिखोगे, कॉल्ड अप कितने शेयर थे इसके, 500 कॉल्ड अप कितनी एंट्री लग चुकी है, 4, 4, 8, 3, 11 और 1, 12 पूरी 12 की एंट्री लग चुकी है, 12 में 2 रुपए का प्रीमियम वो हटाओ, 25, 10 कंपनी बोलेगी 5 मांगे थे तूने नहीं दिए, कितने रुपए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 1 रुपया फाइनल कॉल का, 4 रुपए नहीं दिए, 5 चौक 20 2000 रुपए नहीं दिए, 3 दे दिए, वो कंपनी वापस करने वाली नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट। अब दोनों के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, अब बनेगी कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी, 11वीं रीइश्यू एंट्री। रीइश्यू जब करोगे तो पैसा आएगा और शेयर जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताना मेरे बेटा जी क्या बैठेगी एंट्री, जल्दी बताओ क्या एंट्री बैठेगी, कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो, यहाँ पर लिखा 12 शेयर फुल्ली पेड अप, और मैंने बोला था यहाँ पे क्या आता है पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 10, यानी कि तुमने 12,000 रुपए के शेयर, यानी कि तुमने 12,000 रुपए के शेयर बेच दिए हैं, 12,000 के शेयर बेच दिए 8 रुपए में, यानी कि 12 × 8 9,600 रुपीज में, यानी कि कंपनी को लॉस हो रहा है 2400 का, और कंपनी लॉस कहाँ से फेस करेगी, ऊपर वाले शेयर फोर फीचर के प्रॉफिट से, क्लियर है ये नहीं है। अब ये मैंने बताया था ना, ये कौन सी एंट्री मेरे बेटा जी, ये पापा एंट्री, पापा पापा आ गए हैं, अब पापा आए हैं तो बेटा आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला मेरे बेटा जी, क्लियर है, आ जाओ बताओ बेटा एंट्री क्या होती है, जो शेयर फॉरफिट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है क्रेडिट, उसे खत्म करने के लिए कर देंगे डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हाँ है ना, मतलब यहाँ पे वो प्रॉफिट जाता है जो हमारी जेब में रह जाता है और उसे कंपनी कहीं देने वाली नहीं है, वो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी कैपिटल रिजर्व में डाल देगी, कभी कभार वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्लियर है। मैंने लेकिन कल वाले लेक्चर में एक बात बताई थी क्या, कि पापा 1200 शेयर से बने हैं तो बेटा भी 1200 शेयर से ही बनेगा, कैसे, आपको जो लॉस हुआ है ना, ध्यान से सुनना, आपको जो लॉस हुआ है वो 1200 शेयर पे हुआ है, बोलो हाँ है ना, मैचिंग कहता है तो तुम प्रॉफिट भी क्या निकालो, तुम प्रॉफिट भी 1200 के अकॉर्डिंग ही निकालो, तुम प्रॉफिट भी 1200 के अकॉर्डिंग निकालो, बात क्लियर होगी, अगर लॉस 1200 का है तो प्रॉफिट भी 1200 के अकॉर्डिंग ही निकालो, आ जाओ चलो जी क्या करने वाले हैं, इधर देखो तुमने कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, 1200 लिखा हुआ है, कह रहे इस 1200 में बी के सारे शेयर लिखा है ना, ऑल शेयर ऑफ बी, अच्छा बी के शेयर थे कितने 500, तो बच्चे कितने मेरे बेटा जी 700, वो किसके होंगे ए के, जब बी के सारे हैं तो बी का तो सारा प्रॉफिट ले लो, भैया बी के शेयर पे हमें प्रॉफिट हो रहा था 500 शेयर पे 3000 का प्रॉफिट, तो बी का तो सारा प्रॉफिट ले लो, 500 शेयर का प्रॉफिट 3000, और 700 शेयर पे कैसे निकालोगे, भैया ऐसा है जब ए के शेयर छीने थे तो ए के 1000 शेयर पे हमें 3000 का प्रॉफिट हो रहा था, ए के 1000 शेयर पे 3000 का प्रॉफिट था, यानी कि तीन, ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना, देखो जी ऊपर देखो, बी के ए सॉरी ए के 1000 शेयर थे और ए के 1000 शेयर पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था मेरे बेटा जी,
3000 का, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालो, 3000 का प्रॉफिट है 1000 पे, तो 700 पे कितना होगा, इतने में इतना होगा, बोलो इतने में इतना होगा, इतने में कितना होगा, क्लियर ही नहीं है, बोलो जल्दी से क्या बोलोगे भैया, भैया 3000 का प्रॉफिट है 1000 पे, तो 700 पे कितना होगा, निकालो 2100 रुपए, यानी कि देखा जाए तो तुम्हें 5100 का प्रॉफिट हो रहा है पूरे 1200 शेयर पे, तो 5100 का प्रॉफिट और लॉस हुआ कितना तुम्हारा 2400 का, ऐसे बोला है ऊपर देखो 2400 का लॉस ये रहा, तो 5100 में से 2400 हटा दो, वो तुम्हारी झोली में रह जाएगा, 11 में से 4 के 7 और 2 2700 रुपए, ये बैठा मेरे बेटे जी प्रोपोर्शन अमाउंट। इसे पुराना वाला लेक्चर भी क्लियर हो गया और हमें एक नई बात सीखने को मिल गई कि जब फोरफीचर बीच में होता है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये भी पता लग गया है कि जब फोरफीचर बीच में होगा तो क्या होगा, उस फोरफीचर इफेक्ट नेक्स्ट एंट्री पे क्या बनेगा, एक बार समझ लेना मेरे बेटा जी, जैसे 7वीं एंट्री थी फोरफीचर की और 8वीं एंट्री थी फाइनल गोल की ड्यू एंट्री, तो जब अगर अगर किसी भी, देखो मैं नॉर्मली बच्चों को क्या बोलता हूँ, अगर किसी भी ड्यू एंट्री से पहले, अगर किसी भी कोई भी ड्यू एंट्री लग रही है किसी भी इंस्टॉलमेंट की ड्यू एंट्री से पहले, किसी भी इंस्टॉलमेंट की ड्यू एंट्री से पहले क्या लग चुकी है, फोरफीचर की एंट्री लग चुकी है, तो जो शेयर फोरफिट हो चुके हैं वो ड्यू एंट्री में आने वाले नहीं है, क्लियर है, दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी इंस्टॉलमेंट की, बोलो चाहो तो लिख भी लेना हिंदी में, किसी भी इंस्टॉलमेंट की ड्यू एंट्री से पहले फोरफीचर की एंट्री लग चुकी है तो वो शेयर तो खत्म हो चुके, मार्केट से आउट हो चुके, तो वो शेयर मतलब उस ड्यू एंट्री में कंसिडर होने वाले नहीं है, क्योंकि जिस बंदे को तुम भगा चुके हो एक हो उससे फाइनल गोल का पैसा मांग लोगे क्या, कॉमन सेंस लगाओ ना, क्लियर है, हाँ जी, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना 9953247951 पर।